नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। कोरोना महामारी से जूझ रहे कई देश इन दिनों लॉकडाउन में हैं, उनमें से एक भारत भी है। लेकिन इस दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। कहीं पुलिस पर हमला हो रहा है तो कहीं नर्सों और डॉक्टरों की टीम पर। क्वारंटाइन केंद्रों से जमातियों की बदसलूकी की भी खबरें बेहद आम हो गई है। हालांकि उनके इस किए की सजा भी उन्हें मिल रही है और सरकार इनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज कर इन्हें जेल भी भेज रही है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर सच के साथ ही कुछ झूठ भी फैल रहा है, इसलिए हर खबर का सच जानना बेहद जरूरी है। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसी ही तस्वीर भेजी और उसका सच पूछा है। इस तस्वीर में एक जमाती के पैर को पकड़े हुए नर्स दिख रही है। इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से विधायक कांग्रेस के अब्दुल हफीज खान ने एक नर्स से जबरन इमाम के पैर धुलवाए हैं। कई लोग इस फोटो को शेयर कर पीएम मोदी और अमित शाह से विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान होगा। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और आज से नहीं, काफी दिनों से वायरल है। तस्वीर और उसके साथ किया जा रहा यह दावा ऐसा है कि लोगों में गुस्सा होना जायज है। लेकिन आखिर क्या यह सच है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो सोशल साइट्स पर ऐसी हमें तमाम पोस्ट मिली जिसके साथ ये तस्वीर चस्पा थी और इसके साथ अलग अलग भाषाओं में दावे भी वही किए जा रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं। फिर हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया तो हमें इस घटना का असल सच मालूम पड़ा। दरअसल हमें अब्दुल हफीज के फेसबुक पेज पर 13 अप्रैल की एक पोस्ट मिली जिसमें यह लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ चल रहे दावे गलत है। अब्दुल हफीज ने कहा यह तस्वीर मार्च में खींची गई थी, हम रायलसीमा यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर में थे। वहां एक शख्स के पैर में चोट लग गई थी और नर्स उसे अटेंड कर रही थी। हालात थोड़े गंभीर थे क्योंकि जिसे चोट लगी थी वो डायबिटीज का मरीज था। उन्होंने इसी पोस्ट में ये भी बताया कि 5 अप्रैल को उन्होंने फैल रही इस गलत जानकारी के बारे में कर्नूल के वन टाउन पुलिस थाने में FIR भी लिखवाई है। FIR के मुताबिक इन अफवाहों की शुरुआत 5 अप्रैल से हुई। कर्नूल पुलिस ने भी इस गलत जानकारी के बारे में एक फेसबुक पोस्ट पब्लिश की थी। पुलिस के मुताबिक तस्वीर में दिख रहे शख्स ने गलती से अपने पैर पर गेट बंद कर लिया और उसके पैर से काफी खून बहने लगा था। वो डायबिटीज का मरीज था और खून नहीं रुक रहा था, इसलिए उसे एम्बुलेंस से GGH कर्नूल भेजा गया। घाव काफी गंभीर था और मरीज डायबिटिक था, इसलिए सही उपचार की गैर मौजूदगी में उसे दिक्कत हो सकती थी। नर्स अपना काम कर रही थी और मरीज के खून को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। इस पूरी घटना में हिंदू और मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं है। हमें इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी मिली जिसमें नर्स इस शख्स को इलाज करते हुए दिख रही है। इस शख्स के पैर से वाकई खून बह रहा है और उसे नर्स ने बैंडेज लगाया। इसलिए इस तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है वो झूठ है, इसलिए आप भी इसे इस दावे के साथ आगे वायरल न करें, बल्कि ये वीडियो शेयर कर उन्हें इस तस्वीर की सच्चाई जरूर बताएं। आपको भी ऐसी किसी खबर या तस्वीर या वीडियो पर कोई शक या संदेह हो तो उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी पड़ताल कर आपको सच्चाई बताएंगे। हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फेक खबरों के खिलाफ हमारी मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज जारी रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।